के रंग में अकी ने रंगी दुनिया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हर जगह छाया गोल्ड ही गोल्ड। बॉलीवुड रिपोर्टर आपको अक्षय एंड टीम के गोल्ड टूर की पूरी डिटेल बताएगा। दिलवालों की दिल्ली को धड़काने के लिए अक्षय मौनी रॉय के साथ पहुंचे। फिल्म को प्रमोट करने के लिए कैपिटल सिटी आए अक्षय और मौनी ने यहां फॉर्मल स्टाइल में एंट्री ली और फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग को अटेंड किया। दोनों स्टार्स स्क्रीनिंग पर लग रहे थे बेहद खुश। बॉलीवुड रिपोर्टर ने अक्षय और मौनी से सवाल जवाब भी किए। सबसे पहले अक्षय ने 12th अगस्त की इम्पोर्टेंस हमें बताई। 70 साल पहले फर्स्ट गोल्ड ओलंपिक मिला था हिंदुस्तान को, इंडिया को फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मिला था। तो मैं समझता हूँ आज का दिन एक बहुत जैसे कि योगा डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, बहुत सारे ऐसे डेज होते हैं। तो मैं समझता हूँ 12 अगस्त को अगर हम स्पोर्ट्स डे बनाएं, विच इज़ अ यूजफुल डे, हम तो आई थिंक अभी से इट विल बी अ ग्रेट थिंग, बिकॉज 12 अगस्त को ही वो दिन था जब हमें पहला गोल्ड मेडल मिला था। इट्स अ बिग थिंग इन 1948 जब हमारा देश सिर्फ एक साल का था, हमें गोल्ड मेडल तब मिला था। तो आई थिंक दैट्स इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी। वहीं गोल्ड के बाद अक्की और कौन सी फिल्म में नजर आएंगे ये भी अक्षय ने बताया। अलग फिल्में, एक ही फिल्म, एक किस्म की फिल्में नहीं, एक सोशल फिल्म ही नहीं बल्कि हाउसफुल 4 कर रहा हूँ, फिर मैं हेरा फेरी 3 कर रहा हूँ, तो ऐसी बहुत सारी फिल्में। मौनी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही है, जिस पर मौनी ने अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर की। वंडरफुल पर्सन ही इज, नॉट जस्ट को एक्टर, सो इट वाज, आई हैड अ वंडरफुल टाइम एंड आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर बेटर फॉर माय फर्स्ट फिल्म। वैसे ये तो हम सब जानते हैं कि अक्की फिजिकली कितने फिट हैं। ऐसे में प्रमोशंस के टाइम भी अक्की का ये स्टाइल देखने को हमें जरूर मिला, जिसे देखकर उनके फैंस चीयर अप करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये तो हुई दिल्ली की बात, अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां फिल्म के स्टार्स अमित साध, सनी कौशल और विनीत सिंह ने मुंबई में किया गोल्ड का प्रमोशन। फिल्म को प्रमोट करने के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को चुना गया, जिसे गोल्ड के रंग में रंग दिया गया। तीनों स्टार्स ने यहां मीडिया के सामने जमकर पोज भी दिए। दिल्ली और मुंबई के अलावा कोलकाता का प्रिंसेप घाट, कानपुर का जेके टेम्पल, पुणे का मरगप्टा, जयपुर का स्टेचू सर्कल और गुजरात के साबरमती को अक्षय ने गोल्ड के रंग में रंग दिया। One victory, the nation and sports people start believing within themselves. वैसे प्रमोशन का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अक्षय ने सोशल मीडिया पर भी गोल्ड का प्रमोशन किया और 70 साल पहले 12 अगस्त को इंडिया को हॉकी में फर्स्ट गोल्ड मिलने की खुशी एक वीडियो के थ्रू शेयर की। गोल्ड का मतलब मेरे लिए तिरंगा है। दैट मेडल मेक मी विजेंदर सिंह। इस वीडियो में उन सभी स्पोर्ट्स पर्सन का जिक्र है जिन्होंने देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर ऊंचा किया है और तिरंगे का मान बढ़ाया है। लिसनिंग टू आवर नेशनल एंथम ऑलवेज गिव्स गूसबम्प्स। दिस इज द ग्रेटेस्ट फीलिंग एनी स्पोर्ट्समैन कैन हैव एंड वी फील प्राउड स्टैंडिंग देयर।